हेलो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग किसी को अपना डेली रूटीन बताते हैं, ठीक है, तो डेली रूटीन बताने के लिए आप कई प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस बोलते हैं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं 10 बजे स्कूल जाता हूँ, ठीक है, 2 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, या मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में अपनी मेल चेक करता हूँ, कंप्यूटर पर काम करता हूँ, ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंटेंसेस होते हैं जो हम डेली रूटीन के एक दूसरे को कन्वर्सेशन के दौरान बोलते हैं, लेकिन कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश भाटिया, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो घर बैठे हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड आइकन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर हिट करें। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, डेली रूटीन सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस हैं जो रोज़ाना हम एक दूसरे से टॉकिंग के दौरान बोलते हैं। लेकिन इन सेंटेंसेस को सीखने के लिए आपको सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉलेज होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अपन यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम यूज़ करेंगे तो सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? जैसे आप बोले मैं बाजार जाता हूँ, तो आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। और वह बाजार जाता है, ही गोस टू मार्केट। तो दो सेंटेंसेस हो गए, आई गो टू मार्केट और ही गोस टू मार्केट। आई गो में केवल गो आया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ही गोज में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ किया है। तो रूल हमारा ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस का यूज़ करते हैं। तो हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और इसी का यूज़ करते हुए हम हमारा जो डेली रूटीन का जो वर्क है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एज ए स्टूडेंट्स के रूप में। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट के होने के नाते आप रोज़ सुबह क्या क्या करते हैं वो मैं सेंटेंसेस आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हमारा ये बनेगा कि मैं रोज़ाना सुबह 6 बजे उठता हूँ। क्लियर? तो आप क्या बोलेंगे, आई वेकअप। उठने को क्या बोलते हैं हम, वेकअप। वेकअप यानी उठना। आई वेकअप एट 6 AM डेली। आई वेकअप एट 6 AM डेली, मैं रोज़ाना सुबह 6 बजे उठता हूँ। तैयार होने के बाद मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो आई गो टू स्कूल, क्या लिखेंगे अपन, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। कब जाता है वो, एट 7 AM, 7 बजे जाता है, तैयार होने के बाद, आफ्टर रेडी। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस हो गया हमारा कि मैं तैयार होने के बाद 7 बजे स्कूल जाता हूँ। मैं 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। तो आई स्टडी इन द स्कूल, आई स्टडी इन द स्कूल फ्रॉम 7:30 AM टू 1:30 PM। आई स्टडी इन द स्कूल 7:30 AM टू 1:30 PM। मैं सुबह 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। मैं 2 बजे स्कूल से घर वापस आता हूँ, तो वापस आने को बोलते हैं कम बैक। तो आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 2 PM, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 2 PM, मैं 2 बजे स्कूल से घर वापस आता हूँ। ओके, दोपहर का खाना खाने के बाद मैं 2 घंटे अपना होमवर्क करता हूँ। अब स्कूल जाएंगे आप तो होमवर्क भी मिलेगा, ठीक है, होमवर्क भी करना है आपको। तो आपने क्या बोला, स्कूल से आने के बाद मैं 2 घंटे अपना होमवर्क करता हूँ। क्लियर? तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल आई डू माई होमवर्क फॉर 2 आवर्स, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल आई डू माई होमवर्क फॉर 2 आवर्स। ओके, शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो आई प्ले क्रिकेट फ्रॉम 4 PM टू 5 PM इन द इवनिंग, आई प्ले क्रिकेट फ्रॉम 4 PM टू 5 PM इन द इवनिंग। ओके, 6 बजे मैं पार्क, मम्मी पापा के साथ पार्क में घूमने जाता हूँ। तो आई वॉक
इन द गार्डन विद माई पेरेंट्स एट 6 PM। मैं एक घंटा रोजाना पार्क में घूमता हूँ। आई वॉक इन द पार्क डेली फॉर 1 आवर। क्लियर। मैं शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी या टेलीविज़न फ्रॉम 7 PM टू 9 PM। मैं 9:30 बजे अपना डिनर करता हूँ। आई टेक माई डिनर एट 9:30 PM। मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ। तो आई स्लिप एट 10 PM इन द नाइट। क्लियर। तो देखिए, सुबह 6 बजे से उठा और रात को 10 बजे तक उसने जो भी मोस्टली काम किए, जैसे स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, तैयार हुआ, पढ़ाई की, पार्क में घूमने गया, टीवी देखा, ठीक है, अपना होमवर्क किया, पार्क में घूमने गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या है, डेली रूटीन की चीज़ें हैं। तो जब हम किसी को डेली रूटीन अपना एक्सप्रेस करते हैं हिंदी के अंदर, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हिंदी की बजाय हम उसको किस में एक्सप्रेस करें, इंग्लिश में। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वही डेली रूटीन इंग्लिश में सिखाने की कोशिश की है। तो मैंने अपने एज ए स्टूडेंट के रूप में आपको 10 से 15 एग्जाम्पल बताएं। आप अपने डेली रूटीन को इसी तरीके से एक्सप्रेस कीजिए सामने वाले के सामने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हुए, ताकि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी और आपकी स्पीकिंग क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घर बैठे हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।